हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाश्वत, वेलकम टू मेडिपीडिया ओवरसीज। और आज हम हैं राजस्थान के MBBS कॉलेज में। हमारे साथ हैं अमन यादव फ्रॉम यूपी। एंड अमन ने MBBS में एडमिशन लिया है राजस्थान के इस कॉलेज में। एंड आइए जानते हैं कि अमन की जर्नी कैसी रही मेडिपीडिया के साथ और यूपी से राजस्थान तक की जर्नी। अमन, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और बताइए कैसे पता चला आपको मेडिपीडिया के बारे में। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आपको। मेरा नाम है अमन कुमार यादव, मैं नोएडा से हूँ। मेरे को मेडिपीडिया का यूट्यूब से पता चला है। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी थी और वहीं से मेरे को पता चला कि मेडिपीडिया इतना अच्छा है, ये सब है। तब मैंने पापा को बताया कि पापा ये एक हैं। फिर दिल्ली ऑफिस गए थे पापा, वहाँ से आपसे मिले और शिप्रा मैम से मिले। मैम ने और आपने बहुत गाइड किया, तो इसलिए फिर पापा ने सब कुछ आपसे मैनेज करवाया और सब कुछ हुआ। ठीक है। सो अमन का बेसिकली एक नीड स्कोर था, उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब स्क्रॉल किया, देन दे फाउंड आउट कि मेडिपीडिया करके कोई कंसल्टेंसी है जो एडमिशन करा सकती है। चलो, हम स्कोर की बात नहीं करेंगे, बट अमन कैसा लग रहा है आपको, मतलब कॉलेज मिल गया एंड इस लेवल का कॉलेज, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कॉलेज कैसा है आपको, जैसा रिकमेंड किया मेडिपीडिया ने कहीं पर डिफरेंस है या किसी भी कॉलेज में करा दिया क्या एडमिशन? मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, बहुत अच्छा कॉलेज है ये, और जैसा आपने बताया था उससे और भी बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है। और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, सब कुछ अच्छा है। और आपको मेडिपीडिया ने स्कॉलरशिप्स वगैरह में हेल्प किया क्या? हाँ, स्कॉलरशिप मिली है मेरे को। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि मेडिपीडिया बेसिकली हम सिर्फ एडमिशन नहीं करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज अगर है जो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है उसको नेगोशिएट करके इस लेवल पर ले आएँ ताकि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, प्लस कोई भी बच्चे को अपना MBBS का सपना ना मारना पड़े। शिप्रा मैम, अनमोल सर, रंजीव सर, पूर्णिमा मैम, अब मैं खुद, हमारी कोशिश यही है कि बच्चा सही जगह पहुंच जाए। प्लस अमन, एक चीज़ ये बताओ कि जैसे आपने बोला कि कॉलेज बहुत अच्छा है, तो लैब्स वगैरह कैसी हैं? आप लोग को डाइसेक्शन वगैरह के लिए मिल रहा है क्या? हाँ, हमें मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे से हमें डाइसेक्शन के लिए बुला लिया था। आपने कभी अपने किसी दूसरे कॉलेज के किसी दोस्त से बात की है? हाँ, वहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं, वहाँ पे कैडेवर भी नहीं मिलते कई जगह, तो अच्छा कैडेवर वगैरह आपने देख लिया यहाँ पे? सब बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखें तो कॉलेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेडिपीडिया, अच्छा मेडिपीडिया ने आपको सपोर्ट तो किया, आपका एडमिशन कराया, उसके बाद भी क्या वो आपकी हेल्प वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मतलब हॉस्टल के लिए भी सर आए थे और बाकी कोई भी प्रॉब्लम थी सर ने बार बार कॉल भी किया कि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर ने बहुत हेल्प की है, सब ने हेल्प की। सो बेसिकली अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडिपीडिया का काम सिर्फ एडमिशन करने का नहीं है, बल्कि आपको PG सेटलमेंट तक लेके जाना है सो दैट यू कैन बिकम अ गुड डॉक्टर। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो आपके साथ फ़ोन पे बात करेंगे, आपका एडमिशन कराएं, वो गायब हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, वो उनका काम है, बट मेडिपीडिया का विजन ये है कि अमन जैसा बच्चा जो कि कल को गाइडेंस नहीं है और सही कॉलेज नहीं पहुँच सकता था, बट आज ये सेटिस्फाइड है। दिस इज़ आवर वर्क एंड दिस इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। सो थैंक यू सो मच अमन, आपका अवेलेबल टाइम देने के लिए, एंड बहुत अच्छे से डॉक्टर बनो। आई होप कि ये ब्लैक कोट से व्हाइट कोट में जल्दी जल्दी से आप कन्वर्ट हो। ठीक है, चलो, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, वेलकम।